हरियाणा सरकार भले ही अपनी खेल नीति को देश में सबसे बेहतर नीति बता रही हो, लेकिन इस नीति का फायदा लेने वाले लोगों के अलावा एक सच और है, और ये कड़वा सच आजकल लोगों को मीठी चाय पिला रहा है। क्या है ये कड़वा सच, आइए जानते हैं। आज लोगों को चाय पिला रही ये लड़की संतोष देश का गौरव है। सरकार की अनदेखी के चलते आज मुफलिसी में जी रही संतोष ने कई सोने के मेडल जीते हैं। संतोष की लगन और मेहनत की वजह से देश ने कई बार जश्न मनाया है, लेकिन अब जश्न की वजह रही संतोष आज मजबूरी और बेबसी के आंसू बहा रही हैं। सोनीपत की रहने वाली 23 साल की संतोष ने वेट लिफ्टिंग की नेशनल और स्टेट लेवल प्रतियोगिता में 7 बार गोल्ड जीता है। संतोष के प्रैक्टिस के दौरान उन्हें कई बार चोट लगी थी, लेकिन पैसों की किल्लत की वजह से उनका परिवार इलाज नहीं करा सका, जिसके चलते संतोष को मजबूरन खेल को भी अलविदा कहना पड़ा। मैं अपने पापा के साथ दुकान पर हाथ बंटवाती हूँ, क्योंकि इसलिए कि मेरे पैर में चोट लग गई है, क्योंकि ताकि मैं अपना इलाज के लिए 1-1 रुपया जोड़ के अपने इलाज करवा सकूं। अब हम बहुत गरीब हैं, मैं सफदरजन हॉस्पिटल में भी गई, वहां भी मुझे 43,000 रुपए खर्चा बता दिया घुटने की लिगामेंट प्रॉब्लम में। संतोष और उनका परिवार उनके खेल को तो आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन गरीबी नाम की मजबूरी उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, जिसके चलते वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सरकार से अनिल ब्रिज से यही गुजारिश है कि मेरे घुटने का ट्रीटमेंट कराया जाए, क्योंकि आगे मैं खेल सकूं, आने वाले भविष्य में मैं अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकूं और भारत को मैं मेडल दे सकूं। खेल के दौरान उसको चोट लगी है और मैं उसका इलाज कराने में असमर्थ हूं। मैं गरीब आदमी हूं, मैं चाहता हूं कि भाई मेरी लड़की का गवर्नमेंट से कोई सहयोग मिले, उसे कोई नौकरी मिले, उसका कोई इलाज करवाया जाए। घुटने में चोट लगी है, मुझे मेरी बेटी को सरकार से मदद चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए। मेरी लड़की बहुत मेहनती है, अब हमारे कोई सहारा नहीं। देश में संतोष अकेली खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ऐसे कई खिलाड़ी हैं इस तरह से हालात से लड़ने को मजबूर हैं और खिलाड़ी होनहार हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते भीड़ में खोकर रह गए। जरूरत है सरकार इन चेहरों को पहचाने और पहचान बनाने में इनकी मदद करे। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत।